नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक गांव में भोलू नाम का एक किसान अपनी मां के साथ रहता था। वो खेत में हल चलाकर फसल उगाता, जिससे अपना और अपनी मां का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता था। वो स्वभाव से बहुत सीधा और मेहनती था। एक दिन भोलू अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी उसका पड़ोसी मंगेश आ गया। वह बहुत चालाक और कामचोर किस्म का व्यक्ति था। मंगेश भोलू से बोला, उसको बाजार किसी काम से जाना है, इसलिए आज वह उसका खेत जोत दे। भोलू सीधा था, वह उसकी बात मान गया और मंगेश के खेत में काम करने पहुंच गया। मंगेश भोलू को बेवकूफ बनाकर खुद अपने घर जाकर सो गया, जबकि भोलू ने सारा दिन उसका खेत जोता। शाम को मंगेश उठकर आ गया और भोलू को जाकर धन्यवाद देने लगा। लेकिन भोलू बोला, यदि जरूरत पड़ने पर पड़ोसी काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। इस बार बारिश नहीं हुई, जिससे फसल खराब हो चली थी, जिससे भोलू और ज्यादा गरीबी की हालत में आ गया। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था, जिससे उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं कभी इतना धन कमा पाऊंगा जिससे हमारा गुजारा सही से हो सके। तब उसकी माँ भोलू का हौसला बढ़ाती है और कहती है, इसी तरह मेहनत कर और मेहनत का फल तुझे जरूर मिलेगा। भोलू अपने खेत से लौटते समय रोज रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरी मदद करो जिससे मैं अपनी और अपनी माँ का सही से पेट भर सकूं। एक रात को भोलू जब सोता है तो उसको सपने में एक पेड़ से सोने के सिक्के उस पर बरसते हुए नजर आते हैं। जैसे ही उसकी सुबह आँख खुलती है, तब वह अपनी माँ को बताता है कि उसने सुबह के सपने में सोने के सिक्के बरसते हुए देखा और बोला, आप ही मुझे कहती थी न कि सुबह के सपने सच होते हैं, इसका मतलब यह सच होगा। उसकी माँ भोलू की बात सुनकर हंसकर चल पड़ती है। भोलू को खेत में जाते हुए पड़ोसी मंगेश मिलता है, तब भोलू उसको सोने के सिक्के के सपने के बारे में बताता है। मंगेश उसको बेवकूफ समझता है और उसको बोलता है, मैंने भी एक सपना देखा जिसमें मुझे जमीन के अंदर से सोने के सिक्के मिले। भोलू उसको बोलता है, मंगेश तुम्हारा सपना भी सच होगा, यह कहकर चला जाता है। भोलू उस दिन जब अपने खेत में जब हल चला रहा था, तब उसका हल जमीन में एक जगह फंस जाता है। जब वह उस जगह मिट्टी को हटाकर देखता है तो उसमें उसको एक घड़ा मिलता है। जब भोलू उसका ढक्कन हटाता है तो उसमें उसको सोने के सिक्के मिलते हैं। भोलू यह देखकर खुश हो जाता है, लेकिन सोचता है कि मंगेश ने जो सपना देखा था जमीन से सोने के सिक्के निकलने का, वह सच हो गया, यह सब मंगेश का है। यह कहकर वह उस घड़े को वहीं छोड़कर मंगेश के घर शाम को चला जाता है। वह मंगेश को बोलता है कि तुम्हारा सुबह का सपना सच हो गया है, मुझे एक सोने के सिक्के का घड़ा जमीन के नीचे से मिला है, जैसा तुमने सपने में देखा था, तुम जाकर उसको ले लो। यह कहकर भोलू चला जाता है। मंगेश को यह सुनकर बहुत हैरानी होती है। वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि अगर भोलू के खेत में उसको सोने के सिक्के का घड़ा मिला है तो वह उसको क्यों दे रहा है। लेकिन फिर भी वह उसके खेत में देखने के लिए चला जाता है। भोलू उस घड़े का ढक्कन सही से बंद करना भूल गया, जिससे खेत में मौजूद बहुत सारी जहरीली चींटियां और कीड़े उसके अंदर ऊपर से भर जाते हैं। जैसे ही मंगेश उस घड़े का ढक्कन हटा कर देखता है तो उसको उसमें कीड़े और चींटियां भरे हुए नजर आते हैं। वह उसके ढक्कन को तभी बंद कर देता है और इस सबको भोलू की चाल समझता है। वह भोलू को सबक सिखाने के लिए रात को भोलू के घर जाता है और उनके घर पर कीड़े डालने के लिए उनकी छत पर चढ़ जाता है। वह उनकी छत की कुछ ईंट निकाल कर घड़े का ढक्कन हटा कर सारा घड़ा उनकी छत से खाली कर देता है। घड़ा खाली करने पर भोलू और उसकी माँ को सोने के सिक्के ऊपर से बरसते हुए नजर आते हैं। भोलू और उसकी माँ यह देखकर बहुत खुश होते हैं और भोलू बोलता है, माँ मेरा सपना सच हो गया। जब मंगेश को पता चलता है कि घड़े में ऊपर से कुछ कीड़ों के बाद नीचे सोने के सिक्के थे, तो वह अपने आप को बहुत कोसता है कि क्यों उसने घड़े को सही से नहीं देखा।